अब आगे बढ़े, बड़ी खबर है, हिंदू पक्ष करेगा पूरे परिसर के एएसआई सर्वे की मांग। आज 11 बजे जिला कोर्ट में याचिका डालेगा हिंदू पक्ष, ये बड़ी जानकारी है। और हाईकोर्ट पहले ये दे चुका है तथा कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश। इससे पहले हिंदू पक्ष की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को शिवलिंग नुमा आकृति की जांच के आदेश दिए थे। और हिंदू पक्ष का मानना है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे आराध्य देव आदि विश्वेश्वर से जुड़ा ज्ञान वापी का सच सबके सामने आए। और सबको मालूम होना चाहिए कि आदि विश्वेश्वर मंदिर कब बना। हिंदू पक्ष अदालत से पूरे विवादित स्थल की कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जीपीआर तकनीक से एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्ष लगातार कर रहा है। बड़ी बात सामने आ रही है कि आज 11 बजे जिला कोर्ट में याचिका डालेगा हिंदू पक्ष। हिंदू पक्ष पूरे परिसर की एएसआई सर्वे की लगातार मांग कर रहा है और हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है कार्बन डेटिंग का आदेश, तारीख तय होनी बाकी है। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग नुमा आकृति पर कोर्ट द्वारा एएसआई सर्वे को लेकर सुनवाई 22 मई को होगी, लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है और आज हिंदू पक्ष सुनवाई से पहले बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचा है और दर्शन पूजन करके आप देख सकते हैं हिंदू पक्ष के वकील भी मौजूद हैं, विष्णु शंकर जैन जी मौजूद हैं। विष्णु जी आपने आज दर्शन किया, क्या आप कामना की सुनवाई से पहले? देखिए, हमने यही कामना की कि जो हमारी मांग है पूरे परिसर की एएसआई की, उस मांग पे महादेव हमें विजयी बनाए और एक दिन ऐसा आएगा, ये मेरी पूरी कन्विक्शन है और मनोकामना है। और मुझे लगता है बाबा ने आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे हमें जिस दिन पूरे परिसर की एएसआई जांच होगी। आज याचिका भी डाली जाएगी पूरे परिसर? याचिका हम डाल रहे हैं कोर्ट में, करीब 10:30-11 बजे याचिका पड़ जाएगी, 2 बजे माननीय जिला जज साहब के सामने पेश होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। क्या याचिका किस तरह? याचिका में मांग की है कि जो 3 गुंबद है उसके नीचे जो हिंदू मंदिर का शिखर है उसकी जांच की जाए, मस्जिद की पश्चिमी दीवार की जांच की जाए, सारे तहखानों में जीपीआर सर्वे लगाए जाए, पूरे परिसर की जीपीआर सर्वे हो और जहां जहां नीचे चीजें मिले वहां पे एक्सकेवेशन किया जाए। याचिका आप लोग डालेंगे, क्या लगता है कोर्ट? मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है लीगली और कोर्ट उस पर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास करेगी। तो कोर्ट आज एक हिंदू पक्ष की तरफ से एक और याचिका डाली जाएगी, हमारे साथ वकील भी मौजूद है हिंदू पक्ष के, सुभाष नंदन जी। सुभाष नंदन जी, किस तरह की कामना? कामना ये की गई पूरा परिसर हमारा जो है मुक्त हो जाए, इन आक्रांताओं द्वारा जो कब्जा किया है वो मुक्त हो जाए, हिंदुओं को मिल जाए और हम पुनः जो अपने आराध्य की पूजा और दर्शन कर सकें और सारे 100 करोड़ लोग करें, ये हम लोगों की कामना रही है बाबा से। और 22 तारीख को सर्वे पर जो एएसआई सर्वे हो रहा है उसके पहले सुनवाई है, उसके पहले आप लोगों ने बाबा से बिल्कुल कामना हमने किया कि जल्द से जल्द आप मुक्त हों, बाहर आइए और हम लोगों को दर्शन पूजा का पूरा अधिकार आप दे दीजिए। इसी कामना के साथ आज हम लोग जो है यहाँ से पूरे परिसर का एएसआई जांच करवाने की मांग को लेकर जो एक याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, बाबा से कामना के बाद आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सुनवाई है उसके पहले आप लोगों ने दर्शन किया, आज नहीं याचिका पड़ रही है पूरे परिसर के एएसआई सर्वे? आज नहीं, हम लोग जैसे पूरा जितना मंदिर का परिसर है हम लोग पूरा चाहते हैं पूरा का हो, ताकि जो 3 शिखर निकले हैं, जो अंदर शिखर है और ऊपर से गुंबद लगाया गया है उसकी भी पूरी जांच हो, उसके अंदर भी बहुत से ऐसे प्रमाण निकलेंगे जो मंदिर के हैं, सत्य सामने आएगा। आपसे भी जानना चाहेंगे, आज आप लोगों ने दर्शन किया है, क्या कामना की बाबा से? हमने बाबा से कामना की है कि बाबा का मतलब जल्दी से उद्धार हो और हम लोग आज जो बात दाखिल करने जा रहे हैं एएसआई का हाईकोर्ट से मतलब अनुमति मिल गई है, अब हम लोग पूरे परिसर की मतलब एएसआई करवाना चाह रहे हैं। क्या उम्मीद है? उम्मीद है हम लोग के पक्ष में आएगा, अब जब बाबा का हो रहा है एएसआई तो पूरे परिसर की हो जाए, जिससे पता चल जाए कि हमारा ज्ञानवापी मंदिर। हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है क्योंकि 22 तारीख को एएसआई सर्वे को लेकर सुनवाई होनी है, लिहाजा हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है और आज बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर कामना भी की गई है। कामना विशेष नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।